अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज ना मैं कोफ्ते बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो कीमा है उसको मैं इसमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ, यानी कि चॉप कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको चॉप करूँगी इस तरह से। ये मैं सारा जो कीमा है उसको चॉप कर लूँ। अब मैं चॉपर को खोलूँगी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको साइड पे रखूँगी और जो कीमा चॉप हो चुका है इसको मैं निकाल लूँगी। कीमा तो बाज़ार से भी चॉप होके आया था, लेकिन उस तरह का नहीं था, ये मोटा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बारीक कर रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से मेरा तकरीबन कीमा जो है 2 किलो के करीब है, वो मैं सारा इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं बॉल में कीमा डालूँगी। ये मैंने कीमा अभी चॉप किया है, ये 2 किलो के करीब है। आपको लग भी रहा होगा ये बोनलेस कीमा है, ये उसका मैं उसके कोफ्ते बना रही हूँ। और फिर इसके साथ ही इसमें मैं मसाले डालूँगी। मसालों में मैंने कश्मीरी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने हल्दी ली है, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और जो सूखा धनिया है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, और इसके साथ जो काली मिर्च है मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अब सारे मसाले मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसके साथ ही मैंने ये पेस्ट बनाई है। इस पेस्ट में मैंने डाला है छोटा सा एक प्याज, और उसके साथ लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और हरी मिर्चें जो है मैंने तकरीबन 8-8 डाली हैं, क्योंकि कीमा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। और इसके साथ मैंने 12 अदद बादाम डाले हैं पीसे हुए, इनको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ये पेस्ट जो है मैं मिक्स कर लूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आप अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको फ्राई करके इसका टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कोफ्तों का टेस्ट अच्छा आया है कि नहीं। हरा धनिया भी डालूंगी इसमें। थोड़े से को मैंने फ्राई करके देखा है, इसमें कुछ चीज़ें कम है, जिसमें मैं 1 टीस्पून इसमें मैं मिर्ची डाल। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक और डालूंगी, और ये अब सिर्फ गरम मसाला बाकी रहे। इसमें गरम मसाला डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब, इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया जो है मैंने फ्रीज़र वाला डाला है, आप फ्रेश डाल सकते हैं। मैंने इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए पड़ा रहने दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जैसे बेसन हो गया या भुने हुए चने हो गए कि इसको मैं जोड़ने के लिए इस्तेमाल करूं। मैं इसी तरह इसके कोफ्ते बनाऊंगी। अब 1 घंटे के बाद इसको मैंने निकाला है, देखें ये इस तरह से हो गया है। तो अब इसके मैं मीट बॉल बनाऊँगी। हाथों को पानी लगाऊँगी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और इतने इतने पेड़े लेके और इसके मैं मीट बॉल बना लूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से दबा के और इस तरह से तैयार करूँगी, और फिर इसके बाद इसको मैं गोल शक्ल दे लूँगी, बॉल की तरह से छोटे छोटे बॉल बना लूँगी, और इसको मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। इस तरह से मैंने सारा बना लिया ना, इसके सारा इसका जायका बहुत अच्छा आया। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। ये जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं उनका जायका बहुत अच्छा आया। अभी इसकी ग्रेवी तो मैंने तैयार करनी है। अब इस तरह से करके मैं सारे बॉल बना लूँगी। कोफ्ते सारे मैंने इस तरह से बना लिए हैं, कुछ पे ऑयल लगाया है, कुछ पे पानी लगा के इनको मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल इसलिए कि मुझे कोफ्तों को यानी मीट बॉल को फ्राई करना है। ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। इसको मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम मीडियम जो हीट है ना उस पर इसको गर्म करके बस थोड़ा गर्म करूँगी, ताकि जो कोफ्ते हैं वो जल ना जाएं। ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, मैं उसके लिए स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें अभी ये गर्म नहीं हुआ, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं कोफ्ते डालूँगी। अब देखें ये हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, और इसी में मुझे ये देखें आपको पता चल रहा होगा बुलबुले से बन रहे हैं, अब इसी में मुझे
मीडियम करके इसको और ज़्यादा फ्राई करना है मीट बॉल को। अब मैं इसमें एक एक करके मीट बॉल डालूंगी इस तरह से। ये देखें ऑयल हमारा गर्म है और हमें इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये देखिए ये कीमा कच्चा है और ये अगर एकदम से हो जाएगा तो फिर एकदम से पक जाएगा। तो हमें इसको आहिस्ता से पकाना है हल्की आंच पे ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। इस चूल्हे के टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 6 हैं और मैंने ये 3 पे रखा हुआ है ताकि ये आहिस्ता से बन सके। आपको पता है इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे ये जुड़ सके। कीमे को मिक्स किया और बड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं इसको सारे इसमें इसी तरह से डाल दूंगी। इनको पकने दूंगी। अब ये ब्राउन हो जाएंगे ना तब तक मैं इनको पकाती जाऊंगी, क्योंकि ये ब्राउन तभी होंगे जब तक इसकी झाग ख़त्म नहीं होगी। कोफ्तों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से वो आपस में मिक्स किया है। आप ये देखें अब ये सारी झाग ख़त्म हो गई है और ऑयल निकल आया है। ऑयल जैसे ही निकलता जाएगा ये हल्के हल्के से, मैंने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे मैं इनको ब्राउन कर रही हूँ। और इनको जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, तकरीबन ये मेरे जो कोफ्ते हैं 52 हैं, 2 किलो मेरा कीमा था, जो कीमा मैंने चिकन का लिया था वो 2 किलो था। और इनको मैंने अब अच्छे से ब्राउन करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। अंदर से पकाने के लिए हम इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे, इसका सेक ज़्यादा नहीं करेंगे। उससे ये होगा कि ये जल जाएंगे ऊपर से लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे, क्योंकि ये बोनलेस के हैं। अगर आप थाई के बनाएंगे तो वो और तरह से बनते हैं, उनका जायका भी डिफरेंट होता है। ये देखें माशाल्लाह से अब इनकी रंगत कितनी खूबसूरत आ गई है और इसी रंगत में हमें इसको निकाल लेना है। अब मैं इनको सब को निकाल के एक छलनी में रख दूँगी ताकि इनको ऑयल अच्छे से निकल जाए, क्योंकि कोफ्तों की शोरबा या भुना हुआ उसमें ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। अब इनको सब कुछ छलनी में डाल के तो मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। मसाले के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल डालने के बाद इसको मैं ऑनियन डालूँगी। और ऑनियन के लिए मैंने तकरीबन 2 ऑनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन मुझे इसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए ताकि शोरबा काले रंग का ना लगे। आप इसको भून के भी खा सकते हैं और वैसे भी शोरबा भी बना सकते हैं। देख अब प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसको निकाल लूँगी। और इसको निकालने के बाद इसमें मैंने ग्रेवी तैयार करनी है टमाटरों की, तकरीबन मैंने 5 अदर टमाटरों की ग्रेवी तैयार की है अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ, और वो मैं इसमें डालूंगी। प्याज को भी उसके अंदर ही डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट जो है ना वो मैंने 1-1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं हल्दी 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें हल्दी के बाद इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। नमक भी मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून ही डाला है, क्योंकि नमक आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। सूखा धनिया मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून ही मैंने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो मसाले मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है इसमें और इसके साथ मैं नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। नमक मैंने 2 दफ़ा डाला है क्योंकि नमक मेरे उसके हिसाब से कम था। इसके साथ ही मैं 2 कड़ी पत्ता और 5-6 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन और 6-7 लौंग मैं डाल के तो मैं मसाले को भून लूंगी, मसाले को अच्छे से मिक्स करूंगी। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाली थी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा कोफ्ते भी उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। अब इसमें मैं कोफ्ते साथ इसलिए डाल रही हूँ कि कोफ्तों में मसाला जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसको मिक्स करने के लिए तकरीबन मैं 15-20 मिनट तक इसको भूनूंगी कोफ्तों को इसके अंदर डाल के, क्योंकि बोनलेस कीमे के जो कोफ्ते होते हैं वो सख्त होते हैं, वो नरम होने में टाइम लेते हैं। और इसको मैं पानी डाल के नरम करूंगी। आप इसको प्रेशर लगा के भी नरम कर सकते हैं। अब देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी रंगत आ गई और खुशबू इसकी सारे घर में फैली और जायका भी बहुत अच्छा है। मेरे हाथ के बने हुए कोफ्ते तकरीबन सब पसंद करते हैं। आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखें माशाल्लाह ये मसाला भुनने में है और जैतून का तेल ही मैंने इसको फ्राई करने में इस्तेमाल किया है और जैतून के तेल में मैंने इसको पकाया है। और माशाल्लाह से जैतून के तेल का जायका बड़ा अच्छा आता है।
मैं ना सिर्फ अपने मियाँ का खाना जो था ना वो जैतून के तेल में बनाती थी, फिर मैंने कहा सब बच्चों के लिए भी ऐसा करके देखूं तो कैसा लगता है। तो मैंने जब बनाना शुरू किया तो माशाल्लाह से बच्चे भी इस ऑयल में खाने को पसंद करने लगे कि जायका डिफरेंट है। आप लोग भी इस तरह करें कि जैतून के तेल को ज़रूर ट्राई करें। एक तो ये हार्मफुल नहीं है, सबके लिए सेहतमंद तेल है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। बस ज़रा ये होता है कि जब मुझे कोई चीज़ भूननी होती है तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, और बाद में फिर मैं ऑयल निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ऑयल नहीं खाते। उसी ऑयल को मैं दूसरे खाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ एक दफ़ा तो आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें जो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, और हमारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उसी हिसाब से ऐसे खाने अच्छे लगते हैं। तो मेरे बेटे जो हैं वो माशाल्लाह कोफ्ते बड़े पसंद करते हैं, जब छोटे थे तब भी और अभी, और अब तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बन गया और टेस्टी लग रहा है। अब मैंने इसको भून लिया और मैं अब इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि जो जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से अंदर से गल जाएँ, क्योंकि इसका शोरबा तो मैं रस में से रखूँगी जितना मैं आपको दिखा रही हूँ उतना, लेकिन इसको गालने के लिए इसमें मुझे इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसको मैं ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए रख दूँगी। कोफ्तों को मैंने प्रेशर में डाल के अच्छी से गाल लिया है, क्योंकि ये बोनलेस के कोफ्ते हैं तो ये गलने में थोड़ा देर लगता है। अब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। कोफ्तों को मैंने रस्मी से शोरबे की तरह रखा है, क्योंकि नान या रोटी के साथ शोरबा ही अच्छा लगता है। भुने हुए जब मैं बनाऊंगी तो फिर से उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। कोफ्ते माशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 kg जो कीमा था ना उसका बोनलेस का, उसके मैंने बनाए हैं, और पूरी मुकम्मल रेसिपी मैंने बना के आपके इधर डाल रही हूँ। प्लीज़ आपको अगर ये पसंद आती है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। अब इस पर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़कूंगी। ये है कोफ्तों की फाइनल लुक। मुझे तो अपने बनाए हुए कोफ्ते बड़े टेस्टी लगते हैं। अब ये आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।